नमस्कार, मैं नील सक्करवाल। कक्षा 11 के सिलेबस में अपने डे 15 में पहुंच गए हैं। दो चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं चैप्टर संख्या 3 जो है सरल रेखा में गति। इस चैप्टर में हम कोई भी पार्टिकल है उसकी गति के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आती है मुख्य बात है कि कितने प्रकार से हो सकती है। सामान्य बात है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर रिवाइज करेंगे कि कण की जो गति है वो कितने प्रकार की होती है। उससे पहले गति होती क्या है, गति है क्या, कोई भी पार्टिकल जो है वो अगर स्थान परिवर्तित करता है तो कोई उसकी गति कहलाती है। किसी भी कण के द्वारा स्थान परिवर्तन कोई गति कहते हैं। अब गति के जो प्रकार है वो तीन है, एक है 1D, दूसरी है 2D और तीसरी है 3D। 1D का मतलब है 1-dimensional, एक विमीय। 2D का मतलब है 2-dimensional, द्विविमीय। 3D का मतलब है 3-dimensional, त्रिविमीय। ये एक विमीय, द्विविमीय और ये द्विविमीय, ये त्रिविमीय। अब तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले तो क्या होती है कि गति तीन विमा किस प्रकार से है। एक विमा गति का मतलब है जैसे विमा कहां से ली गई है, ये एक्स वाई जेड से ली गई है, एक्स वाई जेड। कि अगर कोई पार्टिकल में मोशन जो है वो इस प्रकार से हो कि उसमें एक ही एक्सिस प्रभावित हो रही हो, केवल सिंगल एक एक्सिस प्रभावित हो रही हो, हम अगर उस गति का मापन करें तो हम हमारे पास केवल एक ही एक्सिस आएगी। हम उसमें केवल और केवल एक चीज बता सकते हैं, वो है लंबाई। बस ऐसी गति कहलाती है एक विमीय। अब कैसे पता चलेगी कौन से एक विमीय है, तो जैसे इसका एग्जांपल है कोई बहुत पतला धागा है और इस पर कोई चींटी चल रही है, तो ये जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। क्योंकि इसमें हम क्या, इसकी जो मोटाई है धागे की वो क्या मान रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं, इसलिए हम इसका एरिया और वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो एक विमीय गति वो है, परिभाषित करने की बात अगर जब लिखने की बात आती है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि कण की ऐसी गति जिसमें कण जो है वो केवल एक ही अक्ष के अनुसार गति करता है। चाहे वो जरूरी है, जब हम बुक्स में लिखते हैं इसमें नोट्स वगैरह बनाते हैं मान लो, तो कोई जरूरी है हम ये कहें भाई एक्स में जाए, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वाई भी हो सकती है और जेड भी हो सकती है, लेकिन वहां एक विमा ही होनी चाहिए। एक विमा का मतलब होता है केवल लंबाई होनी चाहिए वहां, केवल लंबाई। या ये कह दें कि वहां पर आपने जैसे मान लो फर्स्ट पर भी एक विमी हो सकती है, आपने एक लाइन खींच दी तो ये एक विमीय है। अब हम तो गति की बात कर रहे हैं तो स्थान परिवर्तन होना चाहिए। तो इस लाइन पे हमने कोई पाउडर डाल दिया और कोई चींटी चल रही है, वो फर्श पे चल रही है लेकिन इसी लाइन पे चल रही है, वो इधर इधर नहीं हो रही, इधर नहीं हो रही वो, तो वहां कैसी वैल्यू प्रभावित होगी, वो एक विमीय गति कहलाएगी। फिर आती है द्विविमीय गति। नॉर्मल जो समतल में जो गति होती है वो 2D होती है, द्विविमा होती है उसको। उसको हम किसी भी अन्य पॉइंट से अगर देखें तो उसमें दो एक्सिस दिखाई देंगी, एक्स और वाई, यानी हम उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों माप सकते हैं दोनों। ये जो एग्जांपल है वो इसके साथ हमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसको इमेजिनरी एग्जांपल हमने लिया है ये कि वहां केवल हम उस एक लाइन को ही देख रहे हैं, यानी वो भी एक धागे की तरह, अगर धागे को पंखे से बांध के लटका दिया जाए तो वो उस पर अगर कोई चींटी चलेगी तो वो क्या होगा, वहां उसमें लंबाई। अब ऐसा नहीं वो 3D में है, स्पेस जो होता है, स्पेस अंतरिक्ष हवा वो क्या होती है, वो 3D होती है, लेकिन धागा भी तो स्पेस में लटका हुआ है, लेकिन वो 3D नहीं है, वो क्या है 1D है, हम उसमें उसकी चौड़ाई मेजर नहीं कर सकते। इसलिए इसमें और इसमें आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि यहाँ क्या है, हम उस पार्टिकल में उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों देख सकते हैं, और यहाँ पर आप उसकी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल बता सकते हैं उसमें।
कर्ण की ऐसी गति जिसमें उसकी दो एक्सिस प्रभावित होती हो, दो विमाएं प्रभावित होती हो, वो कहलाती है द्विविमीय गति। अब इसमें वो जैसे द्विविमीय कहें तो एक्स वाई तल भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखें तो वाई जेड तल भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा देखें तो एक्स जेड तल भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी तल इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन विमाएं कितनी प्रभावित हो रही है, दो ही हो रही है। एक्स वाई की बात करें तो एक्स और वाई है वो, ठीक है, एक्स वाई। दूसरा अगर हम वाई जेड की बात कर रहे हैं, तीसरा एक्स जेड की बात कर रहे हैं, तो तीनों में अलग अलग देखें तो दो दो विमाएं ही इसके अंदर आती हैं। तो ये हो गई द्विविमीय गति। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी गति कण की जिसमें कितनी एक्सिस, दो एक्सिस प्रभावित होती हो, द्विविमीय गति कहलाते हैं। फिर बात करते हैं तीसरी है त्रिविमीय गति की। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, इनकी बाद में करेंगे। त्रिविमीय गति में क्या होगा, पता चल गया यहां से हमें कि जिसमें कितनी एक्सिस प्रभावित हो, तीन एक्सिस प्रभावित हो जाए, एक्स वाई और जेड तीनों इफेक्ट हो, तीनों का मेजरमेंट किया जा सके, उसे कहते हैं त्रिविमीय गति। ऐसी जो गति है वो स्पेस में होती है, स्पेस में, क्योंकि यहां जैसे हमने बात की कि लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है, या लंबाई और ऊंचाई का। जैसे इस दीवार को लें, फर्श को लेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट होगा केवल, हमें उस दीवार को काउंट नहीं करना, केवल फर्श प्लेन। तो फर्श किसकी तरह, एक कॉपी के पेज की तरह है। तो कॉपी का अगर पेज लें हम, रजिस्टर का पेज लें हम, तो पेज में क्या होगी, एक लंबाई और एक चौड़ाई होगी, तो उसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं। उसके उस पर जब हम लिख रहे हैं तो वो कैसी गति है, वो द्विविमीय गति है, उस पर अगर हम लिख रहे तो। अब जब हम इसकी इस साइड की दीवार की बात करें कमरे की, तो इसमें लंबाई, इसको लंबाई मान लें हम नीचे वाले को, तो ये तो लंबाई हो गई, और इधर ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऊंचाई है, तो ये इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई। ये ऊंचाई हो गई लंबाई और ऊंचाई। इस वाली दीवार को देखेंगे तो इधर हम क्या मानेंगे, इधर इधर चौड़ाई और क्या हो गई, ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो ये इनमें विमाएं कितनी आएंगी, हर बार दो दो विमाएं आ रही हैं। त्रिविमीय में क्या है, तीनों एक्सिस प्रभावित होंगी, एक्स वाई और जेड, यानी प्रभावित का मतलब ये है कि तीनों के अनुसार हम वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं तीनों के अनुसार। एक्स के अनुसार भी वैल्यू बता सकते हैं, वाई के अनुसार भी बता सकते हैं, और जेड के अनुसार भी बता सकते हैं। ऐसी गति अब डिफाइन करना और लिखना होगा नोट्स में कैसे, तो आप सीधा सीधा जैसे समझ में आया उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो किसी भी तरीके से। जैसे ऐसी गति जिसमें कण की तीनों एक्सिस प्रभावित हो, तीनों अक्षों के अनुसार गति होती हो, उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। अब आते हैं तीनों के एग्जाम्पल। वैसे हम साथ साथ बात कर लें, इसका बता दिया आपको कि अगर कोई चींटी मान लो चढ़ रही है, ऊपर गति कर रही है, तो ऐसी जो गति है वो क्या कहलाती है, वो 1D गति कहलाती है। एक विमा प्रभावित होती है, यानी इसमें हम केवल क्या बता सकते हैं, लंबाई बता सकते हैं। 2D में अगर कोई गति है जो किसी तल पे हो रही है, अब तल पे कैसी गति है इसमें, तल पे जैसे हमने बोर्ड पे लिखा है, ये जो लिखा है वो सारा क्या है, समतल है। जैसे हमने यहाँ लिखा है इस पॉइंट की हमें मेजरमेंट करनी है, तो हम इसको मूल बिंदु मान ले, मान लो यहाँ से करना चाह रहे हैं हम, यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लंब डाल देंगे, इधर इधर से लंब डाल देंगे, तो ये तो क्या होगा इसकी लंबाई, स्केल से माप लो, और ये क्या होगी चौड़ाई, जो जिसको चाहे तो आप यहाँ से माप लो और चाहे यहाँ से माप लो, दोनों की बात है। तो हम इसका क्या बता सकते हैं, इस पॉइंट के अनुसार देखें तो इस जितना भाग ये कवर कर रहा है, इस भाग का हम क्या बता सकते हैं, एरिया बता सकते हैं, भाई एरिया कितना होगा। तो इसके अंदर एक विमा में चींटी की गति ऊपर की तरफ जाती है, तो इसमें लंबाई मेजरमेंट होती है। द्विविमीय में सिंपल कह सकते हैं हम, समतल की गति, और त्रिविमीय में है जिसमें तीनों एक्सिस प्रभावित होती हैं, वो त्रिविमीय गति है, एक्स भी वाई भी और जेड भी।
तो ये किस में, आकाश में जो गति होती है, अंतरिक्ष में जो गति होती है, वो सारी त्रिविमीय होती है। अब अंतरिक्ष में गति कौन, किसकी गति होती है, त्रिविमीय कौन सी गति आएगी। जैसे भाई हम कहते हैं भाई हम चल रहे हैं, गति हम मूव कर रहे हैं जमीन पर, तो वो गति किस में आएगी। जमीन क्या है, समतल है, तल पे गति कर रहे हैं, टच करने से, तो वहां हम केवल लंबाई चौड़ाई का मेजरमेंट कर सकते हैं। वो कैसी गति है, समतल की गति है। और अगर मान लो कोई मच्छर मक्खी उड़ रहे हैं, तो वो जो गति है वो किस प्रकार की है, 3D में है वो, क्योंकि उसमें लंबाई भी आ गई, किसी एक पॉइंट लेंगे तो चौड़ाई भी आ गई, और जमीन से देखें तो उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होगी। तो कैसी गति होगी, वो त्रिविमीय गति होगी। हवाई जहाज की जो गति है, ये जो गति हवाई जहाज की, मच्छर की, मक्खी की, ये हवा में उड़ने वाले पक्षियों की गति, ये सारी जो हवा में उड़ने वाले हैं, हवा में उड़ने वाले सारे जितने भी होते हैं वो 3D में आती है। तो तुम लोगों की जो गति होती है कक्षा 11 वालों की, वो भी ज्यादातर क्या होती है, वो 3D में ही आती है। वैसे तो प्रैक्टिकली तो वो 2D में आती है, अगर हम देखें कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तब तो वो 2D में है, और प्रैक्टिकली देखें तो किस में आती है, 3D में, क्योंकि जमीन पे ज्यादातर आप कम होते हैं और हवा में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, चाहे वो ख्यालों से हो लेकिन हवा में ज्यादा होते हैं, इसलिए उस समय वो तुम्हारी गति 2D न होकर क्या हो जाती है, 3D हो जाती है। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए थियोरेटिकली हमें, तो हम उसको किस में बताएंगे, 2D में बताएंगे। ठीक है, 2D ये जो आपकी गति है, हमें चलने की गति हमारे हमारे द्वारा चलने की जो गति है वो क्या है, 2D में आएगी। मक्खी मच्छर जो हवाई जहाज की गति है वो 3D में आएगी। तो ये तो हो गई बात है सबसे पहले गति की और गति के प्रकार की। नेक्स्ट चैप्टर में भी, फोर्थ में भी इसका काफी ज्यादा यूज करेंगे हम। और अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके टॉपिक की, दूरी और विस्थापन की बात करेंगे। तो वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसमें काफी एग्जांपल्स वगैरह हमें सीखने पड़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण भी है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इस क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप थोड़ा सा समझ लें, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, थोड़ा सा वर्बली समझ लें, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर समझ में आ जाएगा। तो हम बस इतना ध्यान रखना अभी 1D 2D 3D का मतलब क्या होता है। आजकल 3D मूवीज भी आ रही है, तो हम नॉर्मल जो टीवी पर देखते हैं वो तो 2D ही रहता है, वो टीवी पर जो पिक्चर्स हम देखते हैं वो 2D होता है, लेकिन सिनेमा हॉल में कुछ मूवीज आती है जिनमें ब्रैकेट में लिखा रहता है 3D। तो ऐसा नहीं, वो 3D लिख दिया तो 3D है वो, उसको हम देख किस प्रकार से रहे हैं वो डिपेंड करेगा। 3D का मतलब है हम उसको एक्चुअली वहीं बैठ कर देख रहे हैं, तो हमें उसमें तीनों एक्सिस भी समझ में आती है, एक्स वाई और जेड, यानी लंबाई चौड़ाई और मोटाई। जब हम स्क्रीन पर देखते हैं टीवी में, तो उसमें केवल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दो ही एक्सिस हमें दिखाई देती है, तीनों एक्सिस नहीं दिखाई देती। जब हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो हमें अलग अनुभव होता है, और जब हम उसे स्क्रीन पर बात करते हैं तो हमें, जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं तो हमें अलग अनुभव होता है। वो अनुभव 1D के कारण होता है, क्योंकि जब हम स्क्रीन पर बात कर रहे हैं फिर वहाँ व्हाट्सएप कॉलिंग पे, तो वो 2D है वहाँ। लेकिन जब हम आमने सामने बैठ गए, बिल्कुल मोबाइल नहीं है हमारे पास, हम बिल्कुल एक सामने चेयर पर बैठे हैं, तो हम उसको किस वे में देख रहे हैं, 3D में देख रहे हैं। तो मूवीज़ को देखने के तरीके हैं, उस 12th में उसके बारे में थोड़ी डिटेल भी आती है। उसके लिए क्या किया जाता है, पोलेराइड का चश्मा दिया जाता है, जिसके द्वारा हमें ये विजुअल इफेक्ट्स होते हैं कि हम वहीं पर बैठे हैं, वहीं पर, जहाँ मान लो अक्षय कुमार किसी से लड़ाई कर रहा है, तो हम वहीं पर उसको वहीं खड़े होकर देख रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा कि हम वहीं अंदर हैं उसके स्क्रीन के। तो इसलिए वो हमें लिए क्या हो जाएगा, 3D विजुअल हो जाएगा। तो हम डेली रूटीन में जब मिलते हैं एक दूसरे से, वो 3D है, वो 3D है। अगर हम ऑन स्क्रीन मिलते हैं किसी से तो वो 2D है। तो इनका भी थोड़ा पता होना जरूरी है, 1D 2D 3D एग्जाम में कोई